खबर सीवान जिला उत्तरकाशी से है, जहां बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। जनपद के पुरोला डूंडा सहित भटवाड़ी में धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही हर्षिल घाटी में राजमा एवं चौलाई की फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। गंगा घाटी में उगाए जाने वाले सफेद चावल, जिसको पहाड़ का बासमती कहा जाता है, वह भी खेतों में ही खराब हो गया है। और देखिए, बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। धान की खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है, राजमा और चौलाई की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। धान की खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। और देखिए, तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में इस भारी बारिश की वजह से जो किसानों की फसलें थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुकी है। भारी नुकसान किसानों को हुआ है। साथ ही राजमा और चौलाई की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से खड़ी खड़ी फसलें जो हैं वो बर्बाद हो चुकी है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हो, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं किस तरीके से यहाँ पर जो फसलें किसानों ने उगाई है उनमें अब कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से किसान परेशान है क्योंकि धान की खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। देखिए, ये जो मैं कहूंगा कि ये बिन मौसम यहाँ पर बरसात हुई है, जहाँ एक और जो है मौसम विभाग ने भी कह दिया था कि अब बारिश जो है बिल्कुल खत्म हो गई है, सड़कों को खोलने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन वही तीन चार दिनों से ये जो लगातार बारिश हुई है उससे पकी हुई फसल, हमारे चावल का पूरी खेती जो है पकी हुई थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। वहीं जो बीच का हमारा क्षेत्र है सैन से लेकर के और भटवाड़ी के बीच वाला, जहाँ पर आलू की बहुत बढ़िया खेती होती है, वो पूरा आलू जो है घास में दबा हुआ है, क्योंकि इस बीच जो है लोगों ने घास काटना था पहले, और घास काट करके उसके बाद आलू की खुदाई वो करते हैं। तो मैं व्यक्तिगत जाकर के किसानों से वहाँ पे मिला, उन्होंने कहा कि हमारा इस बार जो इस घास ने जो है हमारे आलू भी खराब कर दिए, कद्दू उनका होता था, राजमा जो है वो फ्लावरिंग उसमें हो रही थी, कहीं कहीं पर जो है वो भी उसमें लग गए थे, तो वो सारी चीजें जो है लगभग खराब हो गई। मैं तो माननीय विधायक जी से भी, मैंने लिखित में उनको एक पत्र लिखा हुआ है और उन्हीं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भाई काश्तकारों का जो है मुआवजा करवा करके उनका उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए। भारी बारिश हुई उससे हमारी जो जितनी भी नकदी फसल है उसमें चावल, हमारे चावल हो गया, मतलब धान की खेती हो गई, चौलाई हो गई, राजमा हो गई, और जो हमारे अन्य जो मतलब जैसे उपलब्ध टकरों में हम जाए तो, और जो सेब के हुआ वो भी काफी मतलब नीचे और मतलब झड़े हैं, मतलब तो उसको काफी नुकसान आया है, जिससे किसान बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मेरी सरकार से निवेदन है कि जो भी मतलब विभागों से मतलब इसका आकलन कराया जाए और जो जिसका जो नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई की जाए। साथ ही मैं विधायक जी से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जो हमारा खास करके जो चावल होता है, जो हमारी अपनी मतलब किसानों की जो अपनी नकदी फसल होती है हमारी, उसको मतलब काफी नुकसान हुआ है। इसमें हमारी एक गढ़वाली जो बासमती होती है और लाल चावल होता है जो हमारा पुरोला क्षेत्र में होता है, उसको काफी नुकसान हुआ है। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि किसानों का आकलन किया जाए और उसमें जितने भी उसकी भरपाई मतलब अधिक से अधिक भरपाई की जाए। बेमौसमी बारिश बहुत ज्यादा उत्तरकाशी में हुआ और अभी जब धान की फसल जो है कटने पर आ गई, काश्तकार जो है धान पक गया और लोग जो है अपने खेतों को देख रहे थे कि हम, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश हुई कि धान पूरा जो है उससे जो है खराब हो गया और काश्तकार बहुत चिंतित है। नुकसान काफी काश्तकारों को नुकसान हुआ। तो इस समय जो है मौसम बिल्कुल जो है करवट ले रहा है। इस समय बरसात का सीजन है, जबकि सावन का महीना खत्म हो गया, भादों वाला महीना भी खत्म हो गया, और अब जो है जिसको कहते हैं कि असूज का महीना जो हमारे हिंदी भाषा में है वो आ गया, लेकिन अभी भी जो है बारिश की जो है बहुत बड़ी स्थिति खराब है। तो काश्तकारों को तो नुकसान काफी हुआ इस समय।